हेलो एवरीवन मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ परचेस मैनेजमेंट कि क्या क्या सिद्धांत होते हैं परचेस मैनेजमेंट के फर्स्ट है राइट क्वालिटी सेकेंड है राइट क्वांटिटी थर्ड है राइट टाइम फोर्थ है राइट सोर्सेज फिफ्थ है राइट प्राइस और सिक्स्थ है राइट प्लेस इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप परचेस मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देख सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं फर्स्ट आता है राइट क्वालिटी राइट क्वालिटी बहुत सुटेबल होता है बहुत यूजफुल होता है जब भी आपका कुछ पर्पस होता है तो सेकेंड आता है कि आप प्रोड्यूस करते हैं अच्छी क्वालिटी के गुड्स को अच्छी क्वालिटी का अगर आप मटेरियल सेलेक्ट करते हैं तो आपके जो प्रोडक्ट और सर्विसेस हैं उनकी क्वालिटी भी अच्छी होगी नेक्स्ट आता है क्वालिटी आपको हेल्प करता है कि आप आपकी गुडविल को कैसे बना सकते हैं अच्छी तरीके से कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज बना सकते हैं मतलब सेम क्वालिटी वाला बना सकते हैं और लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि उनको क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मिले नेक्स्ट आता है राइट क्वालिटी डिटरमाइन करता है कि मटेरियल की कितनी कॉस्ट होगी क्या टेक्निकल कैरेक्टर्सिस्टिक्स होंगे और क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगी आपकी उन क्वालिटी के अकॉर्डिंग यह आपको डिफाइन करता है क्लियरली और डिस्क्राइब करता है कि क्या स्पेसिफिकेशंस की टर्म होगी तो राइट right क्वालिटी किसी भी मटेरियल को परचेस करते टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपने अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट लिया है तो आपका जो प्रोडक्ट बन के रेडी होगा वो भी क्वालिटी वाला होगा स्टैंडर्ड होगा और आप कस्टमर्स को इजिली उससे सेटिस्फाइड कर सकते हैं नेक्स्ट आता है राइट क्वांटिटी क्वांटिटी में आप जब भी परचेस करते हैं तो आपके पास टाइम होना चाहिए क्या मिनिमम टोटल कॉस्ट होगी और आप ज्यादा स्टोरेज करने से भी बच सकते हैं मतलब मतलब क्वांटिटी आपकी डिसाइड होना चाहिए कि आप कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट को को या मटेरियल खरीदेंगे तो इसके लिए आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की हेल्प लेते हैं जिससे कि आपको पता चल जाता है कि आपको कितना ऑर्डर करना है कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर करना है आप ज्यादा परचेस ना करें मटेरियल को जिससे कि ओवर स्टॉकिंग हो सकती है कैपिटल ब्लॉक हो सकती है मतलब आपका पैसा फंसा हुआ रह सकता है और आपको उसको स्टोर करके रखना है उसको संभालना है उसके जो कॉस्ट होती है वो भी आपकी इंक्रीज होती है तो इसमें आप देखते हैं कि कौन सा फैक्टर्स को आप कंसीडर करते हैं जो कि किसी भी गुड्स को परचेस करने की क्वांटिटी को बताता है तो इसमें फर्स्ट आता है कि क्या नेचर होगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का क्या आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बड़ी है कि छोटी है सेकेंड आता है क्या नेचर होता है मटेरियल का जो भी आप यूज कर रहे हैं या तो वो ड्यूरेबल है या पेरिसेबल है मतलब वो टिकाऊ है या जल्दी खराब हो जाता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग मटेरियल को देखना है कि अगर जल्दी खराब हो जाता है तो आप कम क्वांटिटी लेंगे और अगर ड्यूरेबल है तो आप ज्यादा क्वांटिटी में स्टोर कर सकते हैं नेक्स्ट आता है आप मटेरियल की कंडीशन को देखते हैं लोगों का जो टेस्ट और प्रेफरेंस है वो कितना चेंज होता है तो आप मटेरियल की कॉस्ट को देख सकते हैं और आप कॉस्ट पजेश को देखते हैं कि स्टोरिंग की क्या कैपेसिटी तो आप राइट right क्वांटिटी को परचेस करें इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए ताकि आपका माल भी खराब ना हो वेस्ट ना जाए आपकी ज्यादा ओवर स्टॉकिंग भी ना हो कैपिटल ब्लॉक भी ना हो ज्यादा कॉस्ट भी ना आए तो आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के थ्रू आप ऑर्डर करते हैं नेक्स्ट आता है राइट right टाइम जो भी आप मटेरियल परचेस करें उसका राइट right टाइम आपको पता होना चाहिए कि आपको कब कितना स्टॉक लगेगा कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है तो टाइम बताता है कि आपका मिनिमम स्टॉक का कितना लेवल है फिर उसके बाद आपको फिर से रीऑर्डर करना है तो आपको राइट right टाइम का ध्यान रखना है और टाइम में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि आपने मटेरियल को टाइम पे ऑर्डर नहीं किया तो वो डिलीवर नहीं होगा तो आपका जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है वो रुक सकती है उसमें डिले हो सकता है तो आपको टाइम का ध्यान रखना है कि आपके पास राइट टाइम में जब आपका मिनिमम लेबल आ जाता है स्टॉक का फिर आप उसमें इन्वेस्ट करें और फिर टाइम पे लोगों को अवेलेबल करवाएं ताकि प्रोडक्शन की जो वो स्मूथली चल सके नेक्स्ट आता है राइट सोर्सेस इसमें आप देखते हैं कि जो भी आपका बायर है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड है आप उसको कितने मिनिमम टाइम में डिलीवरी दे सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के कितने चार्जेस आएंगे कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं पर्सन को और आप कैसे बायर और सेलर्स के बीच में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं उनको आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं तो राइट right सोर्सेस से आप प्रिक्योरमेंट करते हैं जो भी सप्लायर से वो कितना मटेरियल का सप्लाई करें आपको राइट right क्वालिटी वाला राइट right क्वांटिटी में राइट right प्राइस में जब भी आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं और वो कमिटेड रहे और उस चीज को फॉलो करे तो आपका जो मेन पावर है फाइनेंशियल सोर्सेज की क्या एबिलिटी आप ऑर्डर्स को कैसे हैंडल करें तो आप इसमें सिलेक्शन करते हैं राइट सोर्सेस का जिसमें इन्वॉल्व होता है कि आप सर्च करते हैं क्या ज्यादा से ज्यादा सोर्सेज हो सकते हैं आप सिलेक्शन करते हैं अप्रोप्रिएट सोर्सेस का आप साइंटिफिकली एनालिसिस करते हैं नेगोशिएट करते हैं जो भी आपने सप्लायर सेलेक्ट किए हैं और आप पोस्ट परचेस की रेटिंग को देखते हैं तो इसमें आपका फोकस होता है कि जितने भी आपके सोर्सेस हैं डिफरेंट टाइप के जो भी आपको जरूरत पड़ती है उनको आप सिलेक्ट करें आपके सप्लायर सही होना चाहिए जो टाइम पर डिलीवरी करें ट्रांसपोर्टेशन के आपके चार्जेस कम लगे ऐसे ट्रांसपोर्टेशन के मोड को आपको देखना है टाइम पर डिलीवरी करना है फाइनेंशियल सोर्सेज को देखना है कि कितने अवेलेबल है मेन पावर के सोर्सेज को देखना है तो आप इसमें डिफरेंट टाइप के सोर्सेज को, तो को अवेलेबल करते हैं नेक्स्ट आता है राइट प्राइस प्राइस आपको बेस्ट अल्टीमेट वैल्यू फॉर मनी बताता है कि जो भी आप मटेरियल को परचेज कर रहे हैं तो आप उसके लिए कितनी वैल्यू दे रहे हैं वो होता है प्राइस राइट प्राइस डिपेंड करता है प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है डिलीवरी का क्या टाइम है मटेरियल कैसा है उसकी डिमांड और सप्लाई का कर्व कैसा है कंपटीशन कितना है गवर्नमेंट की क्या रेस्ट्रिक्शन है आफ्टर सेल सर्विसेज क्या है क्या डिस्काउंट है क्या ऑफर और टर्म्स है किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने की तो आप इसमें डिटरमाइन करते कि क्या प्रॉपर प्राइस जो कि सिर्फ मटेरियल के नॉलेज पे ही डिपेंड नहीं करता है पर आपको प्राइजिंग की पूरी प्रोसेस को समझना है कि आपको कहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है आप से परचेज करते हैं लास्ट आता है राइट प्लेस इसमें आप देखते हैं जो भी मटेरियल है वो राइट क्वांटिटी क्वालिटी राइट सप्लायर से राइट right प्राइस पे आपको मिलना चाहिए इसमें आप इंश्योर करते हैं कि जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल हो वो राइट right प्लेस पे अवेलेबल हो मतलब आपका ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल हैंडलिंग इसमें कितनी कॉस्ट आ रही है ये सब अफेक्ट करता है जब भी आप सिलेक्शन करते हैं कि आपका मटेरियल कहाँ पे आपको मिलना चाहिए जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और आप इसकी कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं तो आपकी जो प्लेस से पास में सप्लायर होगा आप उनको सिलेक्ट करेंगे ताकि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी कम हो जाए टाइम पर अवेलेबल भी हो जाए आप जो भी लोकल सप्लायर्स है उनको आप इसमें लोकल सप्लायर को चूज करना ज्यादा पसंद करेंगे आउटसाइडर सप्लायर के प्रेफरेंस में कि उनकी जो कंडीशन होती हैं वो डिफरेंट होती हैं तो आपको ये देखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको राइट right प्लेस पे अवेलेबल हो जाए तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या प्रिंसिपल्स होते हैं परचेस मैनेजमेंट के जिसमें हमने देखा राइट क्वालिटी राइट क्वांटिटी राइट टाइम राइट सोर्सेस राइट प्राइस और राइट right प्लेस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं थैंक यू